प्रियंका वाड्रा आपको लगता है कमाल कर देंगे, आपको कितना मतलब ही नहीं है, उनको यही नहीं पता पॉलिटिशियन होता क्या है, उनको यही नहीं पता कि आपको जाना है करना क्या है, पॉलिटिशियन का काम है कि जड़ से उठना है। पॉलिटिशियन क्या करता है, क्या है पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन का मतलब है कि लोगों का दुख दर्द समझे। प्रियंका उड़ती रहती है हेलीकॉप्टर में और जहाजों में, उसको यही नहीं पता कि उसका जनता का दर्द क्या है। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल कुछ भी पता ही नहीं। समझता है जनता का, जनता का दर्द वही समझता है जो जनता के साथ खड़ा है, हमारे मोदी भाई समझते हैं। अच्छा, चलिए आप बताइए, आप बताइए प्रियंका वाड्रा आपको लगता है कमाल कर पाएंगी कांग्रेस में, जान फूंक पाएंगी? कुछ भी नहीं कर पाएंगी मैम, आज तक कुछ नहीं करा, उनको पता ही नहीं है कि क्या होती है राजनीति, उनको बस ये असली जो है हमारा जो कुछ काम कर सकते हैं वो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, और अगली बार भी मोदी जी आएंगे। चलिए ठीक है, ये आपकी राय, आप बोलिए, आइए आगे आ जाइए। रेंज रोवर में जब घूमती हैं आपकी प्रियंका, तो वो किसके पैसे से आती है? रॉबर्ट वाड्रा के पैसे? सब लोग उसको क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? जो वो पैसा राय है, ईमानदार राय है राजीव जी, ठीक है, आपको भी पता है कि अचानक हम आए हैं, अचानक अरे रुके रुके सर, सबका सबकी राय लेंगे, आप बोलिए। कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए, इस देश की विचारधारा और इस देश के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी से बेहतर विकल्प इस देश के लिए हो ही नहीं सकता। सवाल सुनोगे, प्रियंका वाड्रा जान फूकेंगी, क्या राहुल में कमी थी, ये आरोप जो लगा रही है बीजेपी? देखिए ये हमेशा आरोप जो लगता है गलत लगता है कि वंशवाद की राजनीति, ये गलत राजनीति है। प्रियंका गांधी में आपको क्या खूबी दिखती है? खूबी ये दिखती है कि अगर उनको उनके अंदर खराबी होगी जनता खुद खारिज कर देगी। नहीं, खूबी क्या दिखती है? एक मिनट सुन लीजिए, क्या उनकी ये खराबी है? उनका कौन सा योगदान है कि वो राहुल गांधी खानदान में पैदा हुई है? उनकी कौन सी गलती है कि राजीव गांधी खानदान में पैदा हुई है? लेकिन लोकतंत्र यही है ना, जनता के हाथ में ताकत इसलिए है कि जनता उनको खारिज कर देगी। वैसे सर आप भी कमाल है, मैंने सेल्फी मोड में वीडियो भी ले रहे हैं, फेसबुक लाइव भी कर रहे हैं, प्रभु कौन सा मतलब मोदी जी का ये आशीर्वाद है, डिजिटल हो गए हम सब। अच्छा, प्रियंका वाड्रा पे आइए, प्रियंका वाड्रा, देखिए हमें प्रियंका जी के आने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये गलती तो इनको सुधारनी चाहिए थी आज से 10 साल पहले। देखिए 15 साल पहले क्यों? आपने राहुल जी को प्रमोट किया, लेकिन आपने राहुल जी के बारे में ये नहीं सोचा कि उनके पास होमवर्क तैयार नहीं है, वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब। प्रियंका वाड्रा क्या कांग्रेस में जान फूकेंगी? फूकेगी, इससे पहले भी उन्होंने इलेक्शन में प्रचार किया, बहुत अच्छी उनके वक्तव्य है, इंदिरा गांधी की तरह है, ठीक है, अब वो जान लाएंगे कांग्रेस में। संबित जी को बताइए, संबित जी को तो मैं पहले से मैंने इनका फैन हूँ, तो मैं हमेशा सुनता हूँ इनका डिबेट। अच्छा, लेकिन एक जगह मुझे बहुत खराब लगता है कि मैंने सभ्यता को लोग छोड़ देते हैं, कई बार कहते हैं, एक दिन मैंने सुना ओ मुल्ला बैठ जा बैठ जा, ये मुझे लगा कि एक बड़े ओहदे पे आदमी इस तरह का बर्ताव नहीं करे। क्या आपको लगता है कि प्रियंका वाड्रा के कांग्रेस में आने से 2019 में तस्वीर बदलेगी? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये लिख के दे लो, आप एक चीज देख लो, तस्वीर पूरे सबके सामने है, अगर पूरी कांग्रेस सपा बसपा सारी चीजें एक हो गई है। अभी बुआ जी कह रही थी बाबुआ चोर है, बबुआ कह रहा है बुआ जी चोर है, ठीक है, अब चोर तो यहाँ पे सबको दिख रहा है ना, चोर आपस में मत भिड़िए सर, आपस में मत भिड़िए, हेलो हेलो आपस में। अरे देखिए लोकतंत्र बनता है अच्छी बहस से, लड़ाई से नहीं। मोदी जी अकेले हैं और सारी पार्टियां एक तरफ हैं, तो चोर तो इसमें डिफेक्ट है ना, मतलब अलग दिख रहा है। प्रियंका वाड्रा पर क्या कहना? प्रियंका वाड्रा जो अभी कांग्रेस के अस्थि मिली हुई है, ये तो ये जो थे सिद्धू सर, उन्होंने पहले कांग्रेस में बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में आएंगे, वो इनका तो चलता रहेगा, ये अदला बदली इनका जो है। प्रियंका जी तो राहुल गांधी की बहन है भैया, कहाँ हो भूल गए क्या? नहीं, प्रियंका जी तो राहुल जी की बहन है, वाड्रा जी उनके पति हैं, वो जानते ही हैं, जी जानते हैं, फैमिली हिस्ट्री जान रहे हो, पूरा फैमिली ट्री। अब ये बताओ कि तुम्हें उम्मीद है कि वो बदल सकती हैं तस्वीर को कांग्रेस में? वो तो कांग्रेस में नहीं बदल सकती। कितने लोग मानते हैं कि तस्वीर बदलेगी? ये आपको क्या लगता है प्रियंका वाड्रा से तस्वीर बदलेगी? कुछ भी नहीं बदलेगी। नहीं आपको तो मोदी के आने से क्या हो जाएगा? मोदी के आने से क्या हो जाएगा? मोदी से ये सीपी देख रहे हो इतना बड़ा, किसने बनाया है, किसने बनाया है? हमारे देश के कॉलेजेस किसने बनाए हैं? हमारे देश के मोदी 5 साल आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि गांधी परिवार में पैदा हुए हैं, और वो क्वालिफिकेशन पे वो देश की सरकार में आएंगे, अपनी इंटर्नशिप करेंगे, देश का जोन है वो अपनी खुद की ट्रेनिंग लेंगे, देश की तिजोरी से मुफ्त में पैसा बांट कर लोगों को खुश करेंगे, देश का भला नहीं होगा, उनकी इंटर्नशिप सफल हो या नहीं हो कोई कह नहीं सकता, और उनके ट्रेनिंग के लिए हम देश को हम सफर होंगे, हमारी सरकारी तिजोरी सफर होगी, हमारा देश हमारा फ्यूचर सफर। आपका नाम क्या है? वैशाली। आप क्या करती हैं? मैं राइटर हूँ।
आपको लगता है कि ये परिवारवाद जो है और ये प्रियंका को अचानक से लाना, इस तरह से पैराशूट लैंडिंग उनका करना, जनरल सेक्रेटरी बनाना, ये गलत? ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। उन्होंने चलाया क्या है देश में? कोई एक बड़ी इंस्टीट्यूट भी चलाई, कोई बड़ी संस्था चलाई है आज तक? कोई एक कॉरपोरेशन भी चलाया है? मोदी जी का 15 साल का सीएम का सफल एक्सपीरियंस है जिसको पूरे गुजरात वाले मानते हैं, पूरा देश मानते हैं, इसीलिए उनको मेजोरिटी एक्सपीरियंस बोलता है ना। क्या सवाल आपको लगता है कि प्रियंका वाड्रा कांग्रेस में शामिल होने के बाद कोई नई तस्वीर बदल सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड मैं प्रॉपर किसी पार्टी से नहीं हूँ, बस ये बोलना चाहूंगी कि ये भी चाहते हैं मोदी लोग। एक सेकंड, नारेबाजी मत, प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज रिक्वेस्ट। सर, एक बच्ची बोल रही है, उसकी बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। सर, आप भी मोदी रोको अभियान में, हम भी मोदी रोको अभियान में, बस आप मोदी को 2019 में आने से रोकना चाहते हैं और हम उन्हें 2019 में भी रोकना चाहते हैं। सो इस बार भी सॉरी बट मोदी सरकार, ये कह रही है कि मोदी जी को लेके आएंगे। क्या क्या? प्रियंका गांधी परिवारवाद के लिए प्रियंका गांधी जी को लाया गया है, इंदिरा गांधी जी की छवि बताई जा रही है, कहीं फिरोज खान के नाम पे राहुल गांधी क्यों नहीं बताया गया? मोदी जी ने देश की विकास की रफ्तार को बढ़ाया है और मोदी जी ने को 15 लाख रुपए नहीं चाहिए मोदी जी से। मोदी जी ने जो विकास की रफ्तार को गति दी है, अगले बार 2019 में ला करके उसकी गति और रफ्तार से बढ़ाना है।